पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भु विभावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल मैंने आपको बताया था, न इसमें छिलका है, न गुटली है, न कोई बीज है, ये पका हुआ फल है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ा हुआ रस है। अच्छा महाराज, अगर ये फल है, आप कह रहे हो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल हमने मान लिया, अगर ये फल पक करके नीचे गिर गया तो ये तो फट गया होगा, धूल दूषित हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये हाथों हाथ ऊपर से नीचे आया है। नारायण की टहनी से टूटा, ब्रह्मा जी की टहनी पर आकर के अटक गया। ब्रह्मा जी की डाल से टूटा, नारद जी की डाल पर आकर के अटक गया। नारद जी की डाल से टूटा, व्यास जी की डाल पर आकर के अटक गया। और व्यास जी ने सुंदर अपने बेटे को इसको दान में दिया। ये हाथों हाथ आया है। और सुनो, निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। आपने देखा होगा बाग में फल लगे रहते हैं और समय आने पर ही वो पकते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें तोता चोंच मार दे आकर के तो वो फल मीठा हो जाता है। तोता की चोंच लगने पर वो फल जब मीठा हो जाता है तो कहते हैं वाह कितना अच्छा लग रहा है, तोते की चोंच इसमें लग गई है और मीठा हो गया है। या तो ऐसे मान लीजिए या फिर ऐसे मान लीजिए, तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है। तो जो वीतरागी संत हैं, निष्कपट संत हैं, जिन्हें माया छू भी नहीं सकती, ऐसे सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से स्पर्श होकर के निकला हुआ फल है जिसका हम सभी आज पान कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। बोले ठीक है मान लिया, फिर इसका क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भु विभावुका। बोले इस रस का पान करो, इस रस को पियो। बोले कब तक पिए? बोले आलयम, जितना पिया जाए आपसे तब तक इस रस को आप पान करें। और ये रस कैसा है? बोले स्वर्गे सत्ति च कैलासे बैकुंठे नास्ति यम रस। नहीं रस आपको स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, न बैकुंठ में मिलेगा। फिर बोले जो रस बरस रहो बरसाने सो रस बैकुंठों में नाय। जो रस भगवत धाम में बरस रहा है, यहाँ पर बरस रहा है, वो स्वर्ग में भी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। इसलिए इस रस का हम सभी को पान करें। और कैसे भक्त जो कपट रहे थे, ऐसे भक्त तो करें ही करें, लेकिन विशेष में बताया कि शांति कीर्त कालक तुम वृक्तिर शून्य मानता आशा बद्ध समुत्कंठाम नाम गाने सदा रुचि। बोले जो भावुक हैं, रसिक हैं, जिनके दिमाग में कुतर्क नहीं चलता, जो ज्ञान के अभिमान को दूर रख करके केवल कथा पांडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं, ऐसे भक्तों के पान करने योग्य ही रस है। आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसस्तले इत्यादयोनुभावा सुरजात भवांकुरे जने। अव्यर्थ कालत्वम, कैसे जो एक क्षण भी अपना व्यर्थ समय में नहीं गंवाते। बहुत से होते हैं ना गांव में, शहरों में भी होते हैं, चौराहे पर बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, बस। और जैसे शाम हुई अपने घर आकर के खाएं पिए फिर सो जाएं। बहुत से गांव में होते हैं, 10-5 ऐसे मिल जाते हैं कि बस देख लेते हैं भाई सबका काम हो गया, अब तो बस ताशों की तैयारी होने वाली है, पहुंचो जल्दी। और फिर महाराज उनसे कहो ना कि ये काम होना है धर्मार्थ का, वहां नहीं। फिर तो बोली ये धैला है, ये पंजा है, ये चौका है महाराज। और फिर इतनी तेज चिल्लाएंगे, बच्चे भी बुलाने के लिए जाए तो फिर सुनते भी नहीं। एक माता जी आकर के बोली महाराज वैसे तो हमारे पति खूब ठीक हैं, बढ़िया हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन समस्या है कि हमारी सुनते नहीं।
सुनते नहीं। बोले क्या हुआ? बोले जब ताश खेलने के लिए जाते हैं मैं बार बार बच्चों को भेजती हूँ तो कहते हैं बस अभी दो मिनट में आए, अब की बारी, अब की बाजू पूरी हो जाए, बस पांच मिनट में आ रहा हूँ। पांच मिनट करते करते पांच घंटे बाद महादेव आते हैं घर पर, इसलिए मैं बड़ी परेशान हूं। अब देखो जब बच्चों को परेशानी हो रही है, पत्नी को परेशानी हो रही है, तो फिर उस कार्य को करने से फायदा क्या? लेकिन हम नहीं मानते। अव्यर्थ कालत्वम, जो अपना एक मिनट भी व्यर्थ में नहीं गवाते, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। फिर कहा विरक्ति, जिन्होंने संसार की समस्त विषयों को आसक्ति को त्याग दिया हो उनकी जानने योग्य श्रीमद् भागवत है। तीसरी बात आई मान शून्यता, जिन्हें मान सम्मान की इच्छा नहीं होती, बहुत से होते हैं ना, हम जाएंगे हमारा नाम मंच से लिया जाए, जब तक व्यास जी हमारा नाम नहीं लेंगे तब तक हमें सम्मान ही नहीं मिलेगा। मान शून्यता, हम वहां पर गए, उन्होंने जो यजमान थे उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं, हम तो कल से जाएंगे भी नहीं। जो बिल्कुल मान शून्य, जिन्हें सम्मान की चाह नहीं है, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा। तीसरा है आशाबद्ध, श्री कृष्ण के प्रति विषय में वो कभी निराश नहीं होते, जो आशाबद्ध हैं। कैसे? सबरी मैया की तरह, बोलो राधे राधे। कैसे? सबरी मैया की तरह, जो ऐसा नहीं कि पंडित जी ने बताया 16 सोमवार व्रत कर लेना तेरा काम हो जाएगा, और शंकर जी ने अगर काम को नहीं बनाया तो बोले हमने तो 16 सोमवार व्रत रखा लेकिन शंकर जी ने तो हमारी सुनी नहीं, हमने इतने दिन शुक्रवार संतोषी मैया के व्रत रखे लेकिन लक्ष्मी मैया ने हमारे ऊपर कृपा की नहीं। अब शंकर जी हटा दिए, लक्ष्मी मैया हटा दी, बोले भैरव बाबा की पूजा कर रविवार को, भैरव जी प्रसन्न हो जाएंगे, काले कुत्ते को तेल पर रोटी चुपड़ करके खिलाना, और फिर मैया की शाम को है रात्रि में तेल की रोटी चुपड़ेगी, कुत्ता को ढूंढेगी। लेकिन सबरी कैसी है? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 वर्ष तक जिसने भगवान का आने का इंतजार किया आशाबद्ध, एक नहीं हजारों वर्ष तक जिस माने भगवान के आने का इंतजार किया, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। ये भागवत कथा कोई लड्डू नहीं है कि हर कोई जाकर के ले लो महाराज बट रहा है तो जाकर के एक लड्डू हमें भी दे दो, हम भी खाना चाहते हैं। 18,000 श्लोकों की ये मंत्र संहिता है, 12 स्कंद है। चौबीस अवतारों का इसमें विशेष तरह से व्याख्यान है, भगवान के प्रत्येक अवतार की कथा है। एक से एक उपाय बढ़कर के इसमें लिखा है, और एक बात तो विशेष इसमें लिखी है कि हम भागवत न सुन पाए कोई बात नहीं, अगर भागवत की पोथी के भी दर्शन हो जाए तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। और ऐसा भी ना हो केवल भागवत जी से स्पर्श होकर के वायु हमें स्पर्श कर ले तब भी हमारा कल्याण हो सकता है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। और सबसे अंतिम बात गई नाम गाने सदा रुचि, जो भगवान नामों में सहज रुचि होती है जिनकी, जो भगवान का नाम गुनगुनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा, ऐसे भक्तों के जानने योग्य। और हम तो कीर्तन में भी कंजूसी करते हैं, ताली बजाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, देखो कथा में बैठ के ताली बजा रहा है। अगर हमने भूल से भी भगवान का नाम ले दिया तो पड़ोसी सोचेगा देखो भैया भगवान का नाम गुनगुना रहा है, नहीं वो संकोच में मर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम गाने में कोई भी मान शून्यता अपमानता नहीं समझनी चाहिए। आइए दो मिनट भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा का आनंद लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले नाम गाने सदा रुचि, जो भगवान का नाम गुनगुनाते हैं उनके जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। आपने जाना कि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सुंदर सत्य की वंदना की, सत्य की वंदना के बाद वो सत्य किन के जानने योग्य है, जो कपट रहित हैं, ऐसे संतों के सुनने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। विषय सिद्ध साधक सयानों के लिए कथा नहीं, जो भगवान पर पूर्ण भरोसा करते हैं। पहले जाने हम कि ये है क्या, ऐसे भक्तों के जानने योग्य श्रीमद् भागवत कथा है। सुंदर नेमी सारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, सोनकांत 88,000 बैठे ऋषि बैठे हुए हैं। सोनक जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपने कल हमें बताया कि भागवत जी की महिमा ऐसी है, लेकिन आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया कहिए क्या प्रश्न है आपके। बोले पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का, प्राणी का परम धर्म क्या है। दूसरा, हमारे शास्त्र अनेक हैं, देवता भी अनेक हैं, इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तीसरा प्रश्न, परमात्मा कर्तुम अकर्तुम ईश्वर है तो वो फिर अवतार लेता क्यों है, वो जन्म क्यों लेता है, उसको ये अवतार ग्रहण करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि यदि परमात्मा जन्म लेता है तो अब तक कितने अवतार हो चुके हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। हम जब मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को स्नान कराते हैं तो सोचते हैं कि गणेश जी रह गए, गणेश जी को स्नान कराया तो सोचते हैं कि पार्वती जी रह गई, और पार्वती जी को स्नान कराया तो सोचते हैं कि हनुमान जी महाराज रह गए, हनुमान जी को चोला चढ़ाया तो सोचते हैं कि भैरव जी रह गए। हम किसको पूजें, हम भटक रहे हैं। व्यक्ति को परम कर्तव्य क्या करना चाहिए। और सबसे छठवां जो प्रश्न है कि जब भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना भगवान आकर के करते हैं, और भगवान जब अपनी लीला को विश्राम देकर के जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में रहता है, ये धर्म किसकी शरण में रहता है। इन छह प्रश्नों का आप हमें उत्तर दे दीजिए, बस हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही इन प्रश्नों को सुना, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, आपने तो बड़े सुंदर प्रश्न किए,
और हम बाबाओं के पास जाते हैं तो कैसे प्रश्न करते हैं, वो सब आप जानते हैं। संतों के पास जाकर के तरह तरह के प्रश्न करते हैं, कुतर्क करते हैं जाकर के। संतों के पास जा जाकर के कुतर्क करते हैं, महाराज ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे। हमें जाकर के संतों के पास जब जाएं तो केवल भगवत संबंधी प्रश्न करें, व्यर्थ की बातों को ना करें कि दुकान ना चल रही हमारी या ये कोई कार्य नहीं बन रहा है, क्या उपाय करें। अरे भैया आप खुद स्वयं समझदार हो, अगर दुकान के बारे में पूछते तो संत फिर वो संत क्यों बनते, वो भी कहीं ना कहीं दुकान चला रहे होते, वो कहीं ना कहीं बैठ करके कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते, फिर वो संत क्यों बनते। हम संतों के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न ना करें और कुतर्क ना करें, सबसे बड़ी बात। ये कथा ज्ञान यज्ञ है, ये कथा ज्ञान गंगा है। अगर एक बूंद भी हमें मिल जाए तो समझ लो हमारे हृदय की तृप्ति हो जाती है। और जैसे प्रश्नों की, छह प्रश्नों के बारे में कहा, सूत जी प्रसन्न हो गए, बड़े सुंदर प्रश्न किए। ये तो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले ये प्रश्न ऐसे हैं, हे ऋषियों, के अगर इनके बारे में कोई सोच मिले तो उसका कल्याण हो जाए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। पहले जन्म में वो सती मैया थी, भगवान पर संदेह कर बैठी थी, ये तो भगवान मुझे लगते ही नहीं है। देखो एक स्त्री के विरह में रोते हुए दिख रहे हैं, वृक्षों से, लताओं से, जानवरों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने हमारी जानकी जी को देखा, ये भगवान हो ही नहीं सकते। और भोलेनाथ कहते हैं कि देवी नहीं, ये वही राम है मैं जिनका ध्यान करता हूँ। पूछती है आप मुझको कि आप किसका ध्यान करते हो, तो ये वही राम है। सती जी को शंका हो गई, लेकिन जैसे ही दूसरा शरीर धारण किया मां पार्वती का, तब सोचा कि मैं अब की बार भूल नहीं करूंगी। और जैसे ही प्रश्न किया, प्रभु मुझे राम जी के बारे में बताओ, राम कथा सुनाओ। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। और जैसे ही कथा के लिए कहा, भगवान ने प्रसन्न मुद्रा में मां पार्वती का धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य 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 राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती जी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। आपने क्या कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा ऐसी होनी चाहिए जो सकल लोक का कल्याण करने वाली है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। देवी एक गंगा तो ऐसी है जो गंगोत्री से निकलती है और जाकर के समुद्र में मिल जाती है, कुछ स्थानों को पवित्र करती है, लेकिन ये कथा गंगा ऐसी है कि जहां तक भी हवा इसकी आवाज जाती है, जहां तक हम बैठकर इसमें गोता लगाते हैं, अवगान करते हैं, हमारा भी कल्याण करती है और ये औरों का भी कल्याण कराती है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावने गंगा। एक जो गंगोत्री से निकली है और एक यहां बह रही है, ये ऐसी पावन गंगा है। हमारे पास 7 दिन है और इन 7 दिनों को हम कथा के रूप से ही कथा का आनंद लें। कथा को व्यथा ना बनाएं। अगर कथा को भी हम व्यथा बना करके सुनेंगे तो फिर फायदा क्या रहेगा।
सुंदर प्रश्न किए, बड़े प्रसन्न हो गए। आपने पहला प्रश्न पूछा कि व्यक्ति का परम धर्म क्या है, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम कर लूं, हे ऋषियों। तब सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। यम प्रभुजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। मैं अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके आपसे निवेदन करता हूँ, हे सूत जी महाराज, हे सौनकादिक ऋषियों। आपने प्रश्न किया कि व्यक्ति का परम धर्म क्या है। बोले सवई पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति रचोक्षजे अहे दुख्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। व्यक्ति का परम धर्म है भगवान से अहेतु की भक्ति करना, भगवान की अहेतु की, कोई हेतु ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी भक्ति भगवान की करे तो वो व्यक्ति का परम धर्म है। अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। स्वार्थ की भक्ति ना करे, ये व्यक्ति का सबसे पहला परम धर्म है। केवल बच्चों के लिए धन कमाना परम धर्म नहीं है, जाकर के ऑफिस में बैठना परम धर्म नहीं है, दुनियादारी के कोई भी कार्य करना परम धर्म नहीं है, भगवान से निश्चल प्रेम करना ही परम धर्म है, भगवान की निश्चल भक्ति ही करना प्रेम धर्म है। लेकिन हम मानने वाले नहीं है, हमसे तुम्हारा स्वार्थ के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। जहां हमें लाभ दिखेगा तभी तो हम कदम उठाएंगे। जब हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाएगा और लोभ के बाद लाभ की लालसा लग जाएगी तभी हम उस कार्य को करेंगे, अन्यथा करेंगे ही नहीं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो जीव भगवान से अहेतु की भक्ति करता है उसके वो परम धर्म है। कैसी अहेतु की भक्ति होनी चाहिए? एक राजा था महाराज, और राजा के पास कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े यज्ञ कराए, बड़े बड़े अनुष्ठान कराए, बड़े बड़े सिद्धों को ला करके उसने अपने घर पे बिठा दिया कि मेरे मेरे कोई संतान हो जाए, मेरे बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई मिल जाए। बड़ा पा गया, कोई संतति नहीं, बड़ा परेशान रहने लगा। तो किसी ने कहा कि राजन, आपने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, इतने बड़े बड़े कार्य अनुष्ठान आपने कराए हैं, एक काम ना करो। बोले क्या? एक रामदास करके एक महात्मा है, उनसे आशीर्वाद ले आओ, उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो शायद आपके यहाँ संतति हो जाए। बोले ठीक है भैया, जब इतना कार्य मैंने किया है तो ये कार्य और भी करके देख लेता हूं। तो रामदास जी के पास जाकर के कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है और आने वाले समय में इस गद्दी का भोग करने के लिए कोई संतति मेरे पास नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। संत ने आशीर्वाद दिया, समय अनुसार उसके एक बालक हुआ, संतति की प्राप्ति हुई। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो देखो मेरे घर बालक हो गया, बड़ा सुंदर महोत्सव उसने मनाया, बड़ा सुंदर आयोजन रखा। आयोजन में पता है क्या रखा उसने? एक नाचने वाली वेश्या को बुलाया। बोले मेरे मेरे बेटा हुआ है, और एक सुंदर वेश्या को बुला करके सुंदर नृत्य का आयोजन कराया, अपने आने वाले सभी अतिथियों का मनोरंजन कराया। सुंदर महोत्सव चल रहा था तो उसी व्यक्ति ने कान में आकर के कहा, महाराज ये सुंदर आयोजन जो आप करा रहे हो ना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वह महाराज को भी तो बुला लो, जो जिस महाराज की वजह से आपको ये सुंदर संतान प्राप्त हुई है। तो राजा ने कहा, ठीक है उनको भी बुला लो। एक दूत गया महाराज जी को लेकर के आ गया, सुंदर आयोजन हुआ। और जैसे ही सुंदर आयोजन हुआ, सुबह सुबह विदाई होने लगी, राजा सभी अपने मिलने वालों को विदा कर रहा था, सभी को विदा कर रहा था। तो किसी ने कहा कि जो महात्मा आए हैं उनका भी कुछ सम्मान रख दो भैया। बोले बिल्कुल,
तो सभी की विदाई कर रहा था, महाराज जी को मिले 30 रुपए। कितने मिले? 30 रुपए। और महाराज जी के बाद जैसे ही रमजनिया नाम की जो वैश्य आती उसकी विदाई होने लगी तो राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, वाह देवी आपने बहुत सुंदर नृत्य किया, जाओ इनको 300 रुपए की धनराशि पुरस्कार में दी जाए। रामदास जी ने अपने हाथ में रखे हुए 30 रुपए को अपने माथे से लगाया, देखो धन्य हो राजा को। आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश, और रमजनिया को 300 और रामदास को 30। देखो आशीर्वाद हमसे लेके आया, हमको ये 30 रुपए दिखाए, और जो नाचने आई 2 घंटे के लिए उसको 300 रुपए। रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास अब ऐसे कभी किसी को मत भेजना। बेटा जब तेरी कामना पूर्ति हो गई तो ये 30 रुपए, और जो नाचने वाली है उसको 300 रुपए। और यही हाल हम सबका है, बस थोड़ी सी खबर लग जाए कि कोई नाचने वाली आ रही है। महाराज सांस चल रही है, अंतिम सांसें गिर रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, गर्दन हाल रही है, दांत उखड़ चुके हैं, फिर भी मोतियाबिंद आंखों में हो रहा है, फिर भी देखने जाएंगे। वाह नृत्य हो रहा है, चले तो सही, और कथा हो रही हो तो बोले नहीं कोई बात नहीं कल चले जाएंगे। अब ये कथा क्या कहेंगे, ये तो हमने सुन रखी है, हम सब जानते हैं इस कथा के बारे में। जाकर के बस ये कथा के प्रति, लेकिन नाचने वाले की प्रति संत ने कहा कि प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 सवेरी 4 अबेरी इतनी दे नंदलाला, और इतने में भी एक घटी तो ले ले अपनी कंठी माला। हमें तेरे 30 रुपया की जरूरत नहीं है, लेकिन इस राजा को देखा, राजा को देखो परमात्मा, के जब इसको आवश्यकता थी संतति की, संतान की, और आज इसको संतान हो गई, तो एक वैश्या का इतना बड़ा सम्मान और एक संत का, हमारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो फटकार देते हैं। देखो है? हट्टा कट्टा घूम रहा है, कमाया नहीं जा रहा है, यही भावना होती है ना हम सब की। देखो कैसा बलिष्ठ हो रहा है, इससे खाया कमाया नहीं जा रहा है, क्या मांग रहा है।